गुड मॉर्निंग क्लास 11th. ये बिजनेस स्टडीज का नेक्स्ट लेक्चर अपलोड कर रहे हैं हम. और बिजनेस स्टडीज में अभी तक एक ही लेक्चर अपलोड किया बेटा जी. याद होगा आपको क्या था, व्हाट इज एक्टिविटी एंड इट्स टाइप्स एंड डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. ये वाला लेक्चर अपलोड किया था. अब ये नेक्स्ट लेक्चर है. ठीक है जी. आई होप यू ऑल आर वेल, गोइंग गुड, एंजॉयिंग लेक्चर्स है. चलो आगे बढ़ते हैं. Activity and its types and difference between business profession and employment. ये हो चुका था. इसका एक lecture मैं आपके साथ share करना चाहूंगी जो मैंने पहले पढ़ाया था. Okay. छोटा सा recap है एक, ज्यादा बड़ा नहीं, ज्यादा बड़ा है भी नहीं. ठीक है, हमने इसको दो parts में डाला था. एक सेकेंड, जस्ट गिव मी वन मिनट. हाँ जी, ठीक है जी. ये वाला वो लेक्चर है जो हमने अपलोड किया था, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, जो हमने इसे चैप्टर को स्टार्ट किया था. मुझे बस एक स्क्रीन चाहिए होती है लास्ट की, एक रिकैप के लिए. नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, याद आया कुछ? वीडियो क्यों नहीं चल रही? चलो ऐसे देख लेते हैं. हाँ जी, एक क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था, एक्टिविटी एंड इट्स टाइप्स. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज आई हैव टॉट यू? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक. रिमेंबर, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक. इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म टू अर्न मनी, आप देख सकते हो बोर्ड पे. एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर अर्न फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन. जो एक्टिविटीज, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम बिजनेस पढ़ रहे हैं, और जब हम बिजनेस की बात करते हैं तब सबसे बड़ी बात आती है पैसे की, क्योंकि बेटा जी बिजनेस मीन्स मनी. चलो हमें मिल गई स्क्रीन. हाँ जी, तो ये एक बोर्ड का स्क्रीनशॉट है जो हमने लास्ट क्लास ली थी, कि क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस. व्हाट इज एक्टिविटी? टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने को हम एक्टिविटी बोलते हैं. एक्टिविटीज दो टाइप्स की होती है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक. इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डन टू अर्न मनी, नॉन इकोनॉमिक आर डन फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन. इकोनॉमिक मॉनिटरी टर्म्स में होती है, वो नहीं होती. इकोनॉमिक रेगुलरली करनी पड़ेगी, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज रेगुलर बेसिस पे नहीं होती. आपने अचानक से कोई आप पे पुराना फोन पड़ा है, आपने बेच दिया, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके, और आप फोन के बिजनेस में डील करते हो, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ये तीन तरीके हैं जिनसे आप पैसा कमा सकते हैं. बताओ सबसे पहला कौन सा है? बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट मीन्स जॉब. तो बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, फर्क क्या है कुछ? बिजनेस इज समथिंग जिसके रिटर्न में क्या आता है? प्रॉफिट. प्रोफेशन इज समथिंग जिसके रिटर्न में फीस आती है. एम्प्लॉयमेंट इज समथिंग जिसके रिटर्न में सैलरी आती है. मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, बिजनेस के लिए यू नीड वेरी लीगल फॉर्मेलिटीज. प्रोफेशन के लिए आपको सिर्फ एसोसिएशन में खुद को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, और एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको जॉब लेटर चाहिए, अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए. बिजनेस की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, पहले भी बताया था. प्रोफेशन के लिए बहुत हाई क्वालिफिकेशन है, जैसे CA, डॉक्टर, लॉयर. ठीक है जी. और एम्प्लॉयमेंट में डिपेंड करती है आपके बॉस के ऊपर, कि आपका बॉस आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, कि आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए. कैपिटल, इन्वेस्टमेंट और रिस्क एक साथ चलेगा. बिजनेस में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है तो सबसे ज्यादा रिस्क है. प्रोफेशन में कम इन्वेस्टमेंट है, कम रिस्क है. एम्प्लॉयमेंट में इन्वेस्टमेंट है ही नहीं तो रिस्क भी नहीं है. और रूल्स एंड रेगुलेशंस, बिजनेसमैन, आई सेड इन दैट क्लास आल्सो, बिजनेसमैन तो अपने आप में राजा होता है, और राजा तो खुद ही चलता है. तो बिजनेसमैन के कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होते हैं. जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो प्रोफेशनल एसोसिएशन में क्या होते हैं? रजिस्टर्ड होते हैं, तो उन्हें उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करना पड़ता है. और एम्प्लॉयमेंट वाले को अपने बॉस के रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करना पड़ता है. क्लियर है? चल इस स्क्रीन को हटाते हैं और आते हैं वापस अपनी स्क्रीन पर, जो हमारी क्लास चल रही थी. वन सेकेंड. अच्छा जी, ठीक है जी. तो ये हमारी क्लास, नेक्स्ट क्लास, विच इज यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख दिया है. ये दो क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, एक तो एक्टिविटी एंड इट्स टाइप्स, और एक डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. ठीक है जी, तो एक बार और हो जाए. व्हाट इज एक्टिविटी एंड इट्स टाइप? एक्टिविटी मीन्स टू डू एनीथिंग.
types, economic and non-economic. और economic activity has three types, business, profession and employment. तो आपको पता रहेगा कि इस question number one से ही question number two बना है, क्योंकि we have two activities, economic and non-economic, and in economic we have three types of activities, business, profession and employment. क्लियर है? पैसा कमाने के लिए ये आप बिजनेस भी कर सकते हो, प्रोफेशन भी कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हो, तीनों ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है. क्लियर? आई होप आई एम क्लियर, आई एम डन. ठीक है जी, शुरू करते हैं इंडस्ट्री एंड इट्स टाइप्स से. इंडस्ट्री एंड इट्स टाइप्स, नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, व्हाट इफ अब ये दीदी एक्टिविटी एंड इट्स टाइप्स था, तो इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक, फिर बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट, तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटी है. अब ये इंडस्ट्री क्या है बेटा जी? इंडस्ट्री भी जो होती है, इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस ओनली, सो डोंट वरी. जो इंडस्ट्रीज होती हैं, वो भी बिजनेस का ही पार्ट होती है, पार्ट ऑफ बिजनेस, ये भी बिजनेस का ही पार्ट होती है. एक सेकेंड. हाँ जी, चलो. दे आर ऑल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब दीदी अभी तो आपने कहा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज दो होती हैं, जैसे कि एक हमारी हो गई बिजनेस, एक हो गया प्रोफेशन, एक हो गया एम्प्लॉयमेंट, तीन होती है. तो अभी तीन थी, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट. अब आप कह रहे हो इंडस्ट्री भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है. बेटा जी इकोनॉमिक एक्टिविटी तीन ही होती है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. बट इंडस्ट्रीज जो होती है, जो फैक्ट्रीज होती है, वो भी बिजनेस का ही पार्ट होती है. तो इन बिजनेस में से ही मैंने एक टॉपिक निकाला है इंडस्ट्री. मैं आपके लिए ड्रॉ भी कर देती हूँ. बिजनेस से ही हमने एक टॉपिक कौन सा निकाला है? इंडस्ट्री. ठीक है जी, हमने बिजनेस से ही निकाला है, बिजनेस से इंडस्ट्री. एंड व्हाट इज इंडस्ट्री? दे आर आल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटी. इंडस्ट्रीज आर आल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्लियर है? आई होप इट्स डन. तो इंडस्ट्रीज भी अपने आप में इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है. फर्क क्या होता है वो भी बताती हूँ. दैट इज यहाँ पे बेसिकली रॉ मटेरियल जो भी आपका, दैट इज दे डील इन बिजनेस होता है, बट दे डील इन कन्वर्टिंग, पता होगा सबको, रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स. अब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बदलेंगे, फिर बाद में चल के फिनिश गुड्स को सेल करेंगे, तभी तो बिजनेस होगा ना बच्चे. और जैसे मान लो आपके पापा का बिजनेस है बल्ब का, मतलब इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रिकल का काम है. अब इलेक्ट्रिकल में वो बल्ब बेचते हैं, ट्यूबलाइट बेचते हैं, फैंस बेचते हैं, एसी बेचते हैं. अब चलो वो बेचते हैं, उसे आप बिजनेस बोलते हो, वो आपके दिमाग में भी जाता है कि हाँ दीदी वो तो बिजनेस है. लेकिन बेटा जी एक बात, अगर वो बिजनेस है तो कहीं ना कहीं तो वो ट्यूबलाइट बनी होगी, कहीं ना कहीं तो वो बल्ब बना होगा. उड़ के तो आया नहीं होगा कि भगवान जी ने नीचे गिर दिया ये लो बल्ब, ऐसा तो हुआ नहीं होगा. तो बल्ब भी बना होगा. अगर आपके पापा कन्फेक्शनरी का बिजनेस करते हैं, तो चाहे बिस्किट है, नमकीन है, केक है, कहीं ना कहीं बनता तो है ना बच्चे. तो इसलिए जो बैकएंड, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहाँ पे काम होता है, बनता है, दैट इज कॉल्ड एज इंडस्ट्री. तो इंडस्ट्री भी अपने आप में इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जो पैसा अर्न करने के लिए की जाती है, फिर फाइनली गुड्स बनेंगे, फिर उसे सेल किया जाएगा. तो इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ बिजनेस एंड दे आर ऑल्सो द इकोनॉमिक. क्लियर है? बट मेरा क्वेश्चन इंडस्ट्री था ही नहीं मेन. मेरा जो आज का सबसे मेन क्वेश्चन है जो इस क्लास में चलेगा, दैट इज टाइप्स. हाँ जी, दैट इज टाइप्स. मुझे तो इस पे फोकस करना है, इंडस्ट्री एंड इट्स टाइप्स. तो मुझे आपको मेन आज क्या पढ़ाना है कि इंडस्ट्री के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, किस किस टाइप की इंडस्ट्री होती है. तो मैं यहाँ पे एक बड़ी सी हेडिंग डाल देती हूँ, टाइप्स, जिस पे आज हमारी क्लास चलेगी. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री? ओके जी, तो टाइप्स में हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट है तो बहुत ध्यान से सुनना, टाइप्स में हमारे पास तीन टाइप की इंडस्ट्री है. तीन टाइप की इंडस्ट्री है भाई, तीन. एक ये टाइप की है, एक इस टाइप की है, और एक और टाइप की. अरे अरे कहां जा रहे, ठीक है, और एक और टाइप की इंडस्ट्री है हमारे पास. नाम शायद आपने सुने हो, आई डोंट नो आपने सुने हुए होंगे कि नहीं सुने होंगे, मैं तो लिख ही देती हूं. सबसे पहली टाइप की इंडस्ट्री होती है प्राइमरी इंडस्ट्री.
सबसे पहले टाइप की इंडस्ट्री कौन सी होती है? प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री सबसे पहला टाइप होता है इंडस्ट्रीज में। दूसरा टाइप आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री, और तीसरा टाइप आता है टर्शरी इंडस्ट्री। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तीनों में ही रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनते हैं, बस थोड़ा सा एरिया का फर्क है। प्राइमरी में कुछ अलग है, सेकेंडरी में कुछ अलग है, टर्शरी में कुछ अलग है। अदरवाइज जो लॉजिक है वो यही है कि इंडस्ट्रीज भी अपने आप में इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। यहाँ पे रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाए जाते हैं, और तीन टाइप्स की इंडस्ट्री हमारे पास होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। हम क्या करेंगे, डिटेल में एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है, सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है और टर्शरी इंडस्ट्री क्या है। ठीक है बेटा जी, आप फटाफट से इसे नोट कर लो और पहली हेडिंग डालिएगा प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री, सबसे पहले हम कौन सी इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे? प्राइमरी इंडस्ट्री। अच्छा जी, चलो कुछ थोड़ा सा आप बताओ, आपको पता है प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है? प्राइमरी इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री होती है जहां पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम होता है। अगर मैं प्रैक्टिकल बताऊं तो प्राइमरी इंडस्ट्री में दो काम होते हैं, ठीक है? तो मैं फर्दर प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर एरो बना देती हूँ। प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर दो काम होते हैं, दो चीजों में डील किया जाता है। एक तो एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस और दूसरा रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये दोनों इंडस्ट्रीज प्राइमरी इंडस्ट्रीज में आती है। अब कौन कौन सी इंडस्ट्रीज प्राइमरी इंडस्ट्री में आती है? एक तो जहां पे रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से काम किया जा रहा है, रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का काम हो रहा है। अब जैसे कहां पे होता है रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का काम? एग्जांपल डेयरी। भाई जहां पे भी ना प्लांट्स या एनिमल्स से कुछ काम हो रहा है, प्लांट से या एनिमल्स से, वो प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट है। अभी बताओ, अगर कोई फ्लाईओवर बन रहा है तो क्या वो प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट है? नहीं, क्योंकि अगर फ्लाईओवर बन रहा है तो ना ही एनिमल्स का कोई रोल है ना प्लांट्स का। लेकिन बेटा जी डेयरी, डेयरी होती है आपकी गाय, भैंस, हेन, इन सब चीजों से रिलेटेड होते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स। तो ये सारे किससे रिलेटेड है? एनिमल्स से। एग्जैक्टली इसी तरीके से पोल्ट्री, चलो डेयरी में तो एग्स नहीं आते, पोल्ट्री, पोल्ट्री में हेन्स होती है, एग्स आते हैं, ठीक है? तो ये भी एनिमल से रिलेटेड है। अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो जितने भी जैसे राइस जहां पे उगते हैं, या जहां पे वीट उगता है, या जहां से आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं सारे, ये भी तो कहीं ना कहीं बनते हैं। फिर से वही बात आ गई, जहां पे बच्चे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी तो कहीं पे बनते होंगे ना, भगवान जी तो फेंकते नहीं है, ऐसा तो कोई प्रोसेस नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो बनते हैं। तो उसी इंडस्ट्री को हम कौन सी इंडस्ट्री बोलते हैं? प्राइमरी इंडस्ट्री। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में सबसे पहले हमारे पास तीन इंडस्ट्रीज है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री में रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का काम होता है, जैसे कि डेयरी, पोल्ट्री या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या गेहूं, चीनी, चावल। ये सारी चीजें हमारी कौन सी इंडस्ट्री का पार्ट है? प्राइमरी इंडस्ट्री। क्लियर है? खेती बाड़ी। ओके, अब एक काम और, प्राइमरी इंडस्ट्री और एक काम मैं और लिखूंगी यहाँ पे, जहां पे एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस का काम होता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस का अगर कोई काम होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कोल एक्सट्रैक्ट हो रहा है, या गोल्ड एक्सट्रैक्ट हो रहा है, या पेट्रोल एक्सट्रैक्ट हो रहा है, ये सब वो चीजें हैं। तो ये सब जो है वो एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का पार्ट है, जैसे कि कोल को एक्सट्रैक्ट करना, पेट्रोल को एक्सट्रैक्ट करना। वैसे आप सबको पता होगा, स्टिल मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि गोल्ड वगैरह भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मतलब कि धरती के अंदर से इन चीजों को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो अगर आप एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कर रहे हो या रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कर रहे हो बेटा जी, तो ये दोनों ही कौन सी इंडस्ट्री का पार्ट है? प्राइमरी इंडस्ट्री। क्लियर है? तो प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर दो चीजें आती हैं हमारी। एक तो सबसे पहली चीज आपने खुद ही बता दी
रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स और दूसरा एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्लियर है? अच्छा जी, एक चीज और, प्राइमरी इंडस्ट्री में एक तो ये आ गया रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एक ये आ गया एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब इनके अलग अलग नाम भी है, जैसे इसका भी अलग नाम है एक, और इसका भी एक अलग नाम है। अब इसका अलग नाम क्या है? इसका अलग नाम है जेनेटिक इंडस्ट्री। अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है? इसका अलग से नाम क्या है? जेनेटिक इंडस्ट्री। दिस इज जेनेटिक इंडस्ट्री। और उसका अलग से नाम क्या है? दैट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। और अगर मुझे बोलना है तो मैं ये भी बोल सकती हूं कि प्राइमरी इंडस्ट्री इज इक्वल्स टू, बोल सकती क्या हूं, बोलूंगी जेनेटिक इंडस्ट्री प्लस एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री प्लस एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री इज इक्वल्स टू जेनेटिक इंडस्ट्री प्लस एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ये दोनों इंडस्ट्रीज मिलके इसमें आती है। प्राइमरी इंडस्ट्री इज इक्वल टू जेनेटिक इंडस्ट्री प्लस एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री में दो काम किए जाते हैं, एक तो रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स और दूसरा एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वाला सेगमेंट है उसका नाम है जेनेटिक इंडस्ट्री, और जो एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वाला पार्ट है उसका नाम है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। तो दोनों इंडस्ट्री, जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव, किसमें आती है? प्राइमरी में। अगर बेटा जी प्लांट्स से एनिमल्स है, देखो गेहूं, चीनी, चावल, आटा, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पोल्ट्री, डेयरी, चिकन, मीट, फिश, प्लस ये हो गई सारी जेनेटिक के, ठीक है? प्लस अगर अर्थ के अंदर से कुछ भी एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, कोल, पेट्रोल, कोल एक्सेट्रा, वो सब एक्सट्रैक्टिव है। तो एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक इज इक्वल टू प्राइम। ये सारा काम कौन सी इंडस्ट्री के अंदर होता है? प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर। अब तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है? ये सारा काम कौन सी इंडस्ट्री के अंदर होता है? प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर। तो प्राइमरी इंडस्ट्री दो चीजों से रिलेटेड है, प्लांट्स, एनिमल्स और नेचुरल रिसोर्सेज। बोलो, तीन चीजों से रिलेटेड है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, दो तो यही हो गए, और तीसरा नेचुरल रिसोर्सेज। ये तीनों चीजों में जो काम करती है उस इंडस्ट्री का नाम होता है प्राइमरी इंडस्ट्री। तो अगर किसी की कोल की इंडस्ट्री है, या कोई गेहूं, चीनी, चावल में काम कर रहा है, या फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ग्रो कर रहा है, या किसी की डेयरी है, या आपके यहाँ से दूध वाला आता है, वो सब हमारे जेनेटिक इंडस्ट्री के पार्ट है, और जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर वो प्राइमरी इंडस्ट्री के पार्ट है। क्लियर? अब तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है? तो दिस इज आवर प्राइमरी इंडस्ट्री, नोट कर लो फटाफट से, और हम नेक्स्ट इंडस्ट्री में चलेंगे, सेकेंडरी इंडस्ट्री। बी क्विक, दिस इज प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री के बाद हमारे पास, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट, नो इश्यूज। प्राइमरी इंडस्ट्री के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इंडस्ट्री आती है, दैट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री, चलो अब फटाफट से बताओ, प्राइमरी इंडस्ट्री के बाद जो नेक्स्ट इंडस्ट्री आती है उसका नाम क्या है? सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी प्लांट्स खत्म हो गए, अब प्लांट्स दोबारा, प्लांट्स वाला बिजनेस नहीं आएगा सेकेंडरी और टर्शरी में, एनिमल्स वाला बिजनेस भी हो गया और नेचुरल रिसोर्सेज वाला भी हो गया, अब ये सब रिपीट नहीं होगा। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या होता है? सेकेंडरी इंडस्ट्री में भी दो इंडस्ट्री होती है। चलो ये दो दो करके तुम्हें परेशान कर देंगे। चलिए, सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर भी बेटा जी दो टाइप की इंडस्ट्रीज होती है। एक इंडस्ट्री होती है सेकेंडरी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग। बताओ सेकेंडरी के अंदर एक इंडस्ट्री कौन सी होती है? मैन्युफैक्चरिंग। ये वर्ड सबने सुना होगा, जहां पे फाइनली मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, मतलब कि प्राइमरी इंडस्ट्री के, बहुत ध्यान से समझना, के रॉ, प्राइमरी इंडस्ट्री से क्या मिलता है? रॉ मटेरियल, जो भी हुआ प्लांट्स एनिमल्स वाला, भाई कुछ ना कुछ रॉ होगा तभी तो मैं फिनिश बनाऊंगी ना। तो प्राइमरी इंडस्ट्री ने मुझे क्या रेडी करके दे दिया? रॉ मटेरियल। अब मैं प्राइमरी इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल को किसमें कन्वर्ट करूंगी? फिनिश गुड। बोलो इसमें कन्वर्ट करूंगी फिनिश गुड। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? प्राइमरी इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल को कन्वर्ट इंटू फिनिश गुड्स। कन्वर्ट इंटू फिनिश गुड्स, दिस इज
दिस इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जहां पे ये काम किया जाता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर प्राइमरी इंडस्ट्री में कॉटन बना, कॉटन किससे बनता है, लो एक एग्जांपल यहां लिख दूं. हां जी, जैसे मान लो कि प्राइमरी इंडस्ट्री में, जैसे मान लो कि प्राइमरी इंडस्ट्री में कॉटन बना, अरे चलो छोड़ो बताओ, जैसे मान लो कि प्राइमरी इंडस्ट्री में कॉटन बना, यहां लिखती हूँ, ठीक है जी. तो कॉटन वाली इंडस्ट्री किसका पार्ट है, जेनेटिक, क्योंकि कॉटन जो होता है वो एनिमल से आता है. कौन से एनिमल से आता है कॉटन, चलो तो कॉटन हमारा जेनेटिक इंडस्ट्री में आ गया, प्राइमरी इंडस्ट्री में आ गया. अब मान लो मैंने कॉटन से क्लोथ बनाया, मान लो कि मैंने कॉटन से क्या मैन्युफैक्चर किया, क्लोथ. तो जब मैंने कॉटन से क्लोथ बनाया तो वो कौन सी इंडस्ट्री का पार्ट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग. और कॉटन कौन सी इंडस्ट्री का पार्ट था, प्राइम, क्योंकि कॉटन इज द प्रोडक्ट व्हिच वी गेट फ्रॉम एन एनिमल. तो अगर मैं कुछ भी प्लांट, एनिमल या नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ बेटा जी, तो दैट इज प्राइमरी इंडस्ट्री, फर्स्ट इंडस्ट्री. लेकिन प्राइमरी इंडस्ट्री में मैं जो भी प्लांट्स, एनिमल से बना रही हूँ, जैसे अगर मान लो मैं आटा भी बना रही हूँ, दैट इज प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है. प्लांट का ही पार्ट होता है आटा, चीनी, चावल, ये सब प्लांट्स में ही आ जाते हैं. तो अगर मैंने आटा मेरे पास है, गेहूं है, जैसे गेहूं होता है प्लांट, तो गेहूं किस, कौन सी इंडस्ट्री का पार्ट हो गया, प्राइमरी इंडस्ट्री का. लेकिन मैं गेहूं को पीस के आटा बनाऊंगी, फिर आटे से मैंने ब्रेड बनाई, तो आटे से जब मैंने ब्रेड बनाई तो मैं कौन सी इंडस्ट्री में एंटर कर गई, सेकेंडरी इंडस्ट्री में. और अब मैं उसको सेकेंडरी इंडस्ट्री में कौन से पार्ट में लाऊंगी, मैन्युफैक्चरिंग. क्लियर है? अच्छा जी, मैन्युफैक्चरिंग के बाद एक दूसरा पार्ट जो होता है वो तो बहुत ही सिंपल है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में मुझे आपको कुछ ज्यादा नहीं पढ़ाना है, आपको पता है, और नहीं पता है तो हम अभी बता देते हैं फटाफट से. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हमें कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का मतलब होता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, फ्लाईओवर, मॉल्स, रोड्स, एक्सेट्रा, ठीक है जी. तो दिस इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जहां पे आपके ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, मॉल्स, रोड्स बनाई जाती है, दैट इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. और जहां पे आपका रॉ जो है, प्राइमरी का जो रॉ है, उससे फिनिश गुड तैयार किया जाता है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. क्लियर है? आई होप आई एम गोइंग गुड और आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है जी. तो ये हो गई हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और ये हो गई हमारी कंस्ट्रक्शन. हम एक चीज और कर देते हैं, इसके आगे हम मैन्युफैक्चरिंग लगाना भूल गए, वो हम लगा देते हैं. हाँ जी, मैन्युफैक्चरिंग के आगे क्या जाएगा, इंडस्ट्री. दिस इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड दैट इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ठीक है जी. चलो अब एक आंसर देना फटाफट से, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज वी हैव. अब तो दीदी आ गया अच्छे से, फिर भी बता दो एक बार, कोई बात नहीं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज वी हैव. वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज. वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. अगर हम प्राइमरी इंडस्ट्री की बात करते हैं, ये भी समझ आ गया कि इंडस्ट्री अपने आप में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है एंड इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, सो नो प्रॉब्लम, ठीक है जी. प्राइमरी इंडस्ट्री भी समझ में आ चुकी है, आई होप कि प्राइमरी इंडस्ट्री बहुत अच्छे समझ आ चुकी है कि जहां पे प्लांट्स एंड एनिमल्स का काम होता है, दैट इज जेनेटिक. जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करने का काम होता है, दैट इज एक्सट्रैक्टिव. और अगर दोनों को मिला दें तो प्राइमरी, ठीक है जी. प्राइमरी में जो भी सामान रेडी होता है, चाहे प्लांट से हो, चाहे एनिमल से हो, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज हो, उसको बच्चे फर्दर प्रोसेस किया जाता है, मतलब कि नेक्स्ट स्टेज पे लाया जाता है. तो नेक्स्ट स्टेज पे हमारी कौन सी इंडस्ट्री आती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री, जिसमें हमारे पास दो है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में तो फ्लाईओवर्स, मॉल्स, रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्ट होती है. और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो प्राइमरी से रॉ तैयार हुआ है ना, जो भी रॉ तैयार हुआ है, जैसे मान लो पोल्ट्री है, अंडे हैं, या मान लो दूध है, या मान लो कि गेहूं से आटा बनाया गया, जो भी रॉ रेडी हुआ है, वेजिटेबल भी अगर बनता है ना बच्चे, तो प्राइमरी इंडस्ट्री में कौन सा वेजिटेबल आता है, जो कच्चा है. जब आपकी मम्मी उसको घर पे बना लेती है ना, फिर वो कौन सी इंडस्ट्री का पार्ट हो जाता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री का, क्योंकि आपकी मम्मी ने वेजिटेबल को क्या किया है, मैन्युफैक्चर.
तो जहां पे प्राइमरी इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल को फाइनली फिनिश फूड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। चलो अब एक आंसर देना मुझे जल्दी से, अगर एक कच्ची गोभी है तो वो प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट है कि सेकेंडरी का? कच्ची गोभी, कच्ची गोभी इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री, और जब आपकी मम्मी ने उसको अच्छे से कुक कर दिया दैट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री, और सेकेंडरी में कौन सी वाली हो गई? मैन्युफैक्चरिंग वाली, और प्राइमरी में कौन सी वाली हो गई? जेनेटिक। क्लियर? अगर एक और एग्जांपल दूं, जैसे मान लो पेट्रोल, अब पेट्रोल जब मैंने धरती के अंदर से एक्सट्रैक्ट किया तो वो किस में आएगा? प्राइमरी, प्राइमरी में, जेनेटिक में या एक्सट्रैक्टिव में? दीदी एक्सट्रैक्टिव में, प्राइमरी में, जेनेटिक में कैसे आ सकता है? पेट्रोल कोई प्लांट एनिमल से थोड़ी आता है, तो एक्सट्रैक्टिव में आएगा। और जब मैंने उस पेट्रोल की मदद से एलपीजी गैस बनाई या सीएनजी गैस बनाई, क्योंकि उसमें भी पेट्रोल डलता है, तो फिर मैंने उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट किया, तो मैं कौन सी इंडस्ट्री में आ गई? सेकेंडरी इंडस्ट्री में। और सेकेंडरी इंडस्ट्री में कौन से वाले पार्ट में? मैन्युफैक्चरिंग वाले पार्ट में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में तो रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया जाता है, दैट इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। क्लियर? चल एक चीज और सुनो, जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, ये ना पॉज बीच बीच में लिया जाता है आपके लिए, चलो फटाफट बताओ, जब आप क्या करते हो? मैन्युफैक्चरिंग करते हो, बोलो बोलो, जब आप क्या करते हो? मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तब आप रॉ मटेरियल को किसमें कन्वर्ट करते हो? फिनिश गुड में। बताओ करते हो कि नहीं करते हो? दीदी ब्रेक ना आप अपने लिए लेते हो, हमारे लिए नहीं, क्योंकि आप एरो वेरो बनाते हो ना, ऐसा नहीं है। चलो हम ब्रेक आपके लिए लेते हैं कि आप अपना माइंड फ्रेश कर लो, और जैसे मैं आपसे पूछूं प्राइमरी तो आप एकदम बोलो जेनेटिक प्लस एक्सट्रैक्टिव, जैसे मैं आपसे बोलूं सेकेंडरी तो आप एकदम से बोलो मैन्युफैक्चरिंग प्लस कंस्ट्रक्शन। चलो मैं यहाँ पे एक बार लिख भी दूं, जो कि हमारी आदत है वो तो हम लिखेंगे ही, यहाँ पे मैं एक बार लिख देती हूँ आपके लिए कि सेकेंडरी इंडस्ट्री इज इक्वल्स टू मैन्युफैक्चरिंग प्लस कंस्ट्रक्शन। इन दोनों इंडस्ट्रीज को मिला के बनती है सेकेंडरी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग प्लस कंस्ट्रक्शन। फिर भी कोई डाउट है तो आप आराम से पूछ सकते हो। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री इन दोनों इंडस्ट्रीज को मिला के बनती है, मैन्युफैक्चरिंग प्लस कंस्ट्रक्शन को मिला के सेकेंडरी इंडस्ट्री बनती है। डन। चलो अब एक चीज और सुनो फटाफट से, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी कि सेकेंडरी इंडस्ट्री के भी पार्ट्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के, सॉरी, कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के भी पार्ट्स होते हैं। अब तो बढ़िया बढ़िया, चलो नाइस हो गया मेरा काम। हाँ जी चलिए फटाफट से बताइएगा, तो प्राइमरी इज इक्वल्स टू डैश प्लस डैश, जेनेटिक प्लस एक्सट्रैक्टिव, एंड सेकेंडरी इज इक्वल्स टू डैश प्लस डैश, मैन्युफैक्चरिंग प्लस कंस्ट्रक्शन। शाबाश। चलो अब ये बताओ कि मैन्युफैक्चरिंग वाली इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल से क्या तैयार किया जाता है? फिनिश्ड गुड्स। अब ये बताओ कि जेनेटिक में क्या क्या होता है? रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एक्सट्रैक्टिव में क्या क्या होता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मैन्युफैक्चरिंग में रॉ से फिनिश्ड, और कंस्ट्रक्शन में हम ब्रिजेस एंड मॉल्स की कंस्ट्रक्शन करते हैं। लेकिन बेटा जी जब हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अपने आप में फर्दर कितने पार्ट्स हैं, कितने टाइप्स हैं? 4 टाइप्स। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, अभी आपने कभी सोचा था कि इसके भी टाइप्स पढ़ाएंगे दीदी? देखा क्या क्या पढ़ाते हो तुम, इतना डीप जाके। तो इसके भी कितने टाइप्स है बेटा जी? 4 टाइप्स, ध्यान से सुनना। ओके, ये टाइप्स कौन सी इंडस्ट्री के हो गए? मैन्युफैक्चरिंग के। मैन्युफैक्चरिंग के 4 टाइप्स, 4 types of manufacturing industries we have. अगर मैं manufacturing industry की बात करूं जहां पे raw से finished बनता है, तो raw से finished बनाने वाली 4 industries है। क्या फर्क होगा चारों में? ये देखो, एक मैं फटाफट से नाम दे देती हूँ आपको, raw से finished बनाने वाली 4 industries। सबसे पहली analytical, दूसरी, सबसे पहली कौन सी बताई मैंने? analytical। ओके क्या है? गॉट इट। सबसे पहली एनालिटिकल, दूसरी सिंथेटिकल। सबसे पहली कौन सी थी? एनालिटिकल, दूसरी सिंथेटिकल, तीसरी
processing, analytical, synthetical, processing, and last is assembling. And last is assembling. चलो एक बार फटाफट से हो जाए. हाँ, सबसे पहली एनालिटिकल, दूसरी सिंथेटिकल, तीसरी प्रोसेसिंग एंड द फोर्थ वन इज असेंबली. अब आप मुझे चारों में डिफरेंस बताओ. चारों में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, चारों में रॉ से क्या बनेगा? फिनिश गुड. फर्क इतना है कि अगर मैं एनालिटिकल की बात करूं बेटा जी, तो एनालिटिकल में वन रॉ is converted into many finished goods. एक ही raw से बहुत सारे finished goods को तैयार किया जाता है. One raw is converted into many finished goods. एक ही raw को बहुत सारे finished goods में convert किया जाता है. Example, petrol. एग्जाम्पल ऑयल इंडस्ट्री. पेट्रोल मैंने गलत लिख दिया. एग्जाम्पल ऑयल इंडस्ट्री. ऑयल इंडस्ट्री कैसे, ध्यान से सुनो. जैसे ऑयल आया तो ऑयल धरती के अंदर से क्या होके आया होगा बच्चे? एक्सट्रैक्ट. ऑयल एक्सट्रैक्ट हुआ. आपको पता है ऑयल के एक्सट्रैक्शन से क्या क्या बनता है? सबसे पहले ऑयल के एक्सट्रैक्शन से एक कच्चा तेल बनता है, जैसे आप केरोसिन ऑयल बोलते हो. आई डोंट नो व्हाट स्पेलिंग, शायद यही है. क्या बोलूं, ब्लैक ऑयल. ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ ब्लैक ऑयल, जो सबसे गंदा तेल होता है. ठीक है, उससे गंदा तेल नहीं होता. फिर ब्लैक ऑयल को ही आगे प्रोसेस करके, इसी ब्लैक ऑयल को आगे प्रोसेस करके क्या बना दिया जाता है? डीजल. साफ किया जाता है धरती के अंदर से. जब तेल एक्सट्रैक्ट होता है ना, तो ऐसा नहीं होता कि अच्छा इस धरती के नीचे पेट्रोल है और इस धरती के नीचे डीजल है और इस धरती के नीचे कच्चा तेल है और इस धरती के नीचे वो वाला तेल है जो एरोप्लेन में डलता है, क्योंकि एरोप्लेन में ना बहुत प्योर फॉर्म ऑफ ऑयल डलती है. ठीक है, तो क्या समझा जा रही हूँ कि जब वो ऑयल इंडस्ट्री होती है तो वही ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है धरती के अंदर से. नहीं बाइफरकेशन होता कि अच्छा ये पेट्रोल है ये डीजल है. डिपेंड करता है बच्चे कि जब आप तेल को धरती के अंदर से एक्सट्रैक्ट कर लेते हो उसके बाद आप उसे कितना साफ करते हो. अगर आप उसे ऐसे ही कच्चा रखो, ऐसे ही गंदा रखो, तो दैट इज केरोसिन ऑयल, दैट इज सिंपली अ कच्चा तेल. अगर मैं उसको थोड़ा सा प्योर फॉर्म में लाऊं, थोड़ा सा साफ कर दूं, तो वो डीजल बन जाएगा. अगर मैं उसे थोड़ा और साफ कर दूं तो वो पेट्रोल की फॉर्म ले लेगा. अगर मैं उसे थोड़ा सा और साफ कर दूं, वैसे एक इसका प्रॉपर नाम होता है अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा, तो वो एयरक्राफ्ट ऑयल बन जाएगा जो फ्लाइट्स में यूज होता है, क्योंकि उसमें पेट्रोल भी नहीं यूज होता है. एरोप्लेन्स में तो तेल की बहुत ही ज्यादा प्योर फॉर्म यूज होती है, बहुत प्योर, बहुत साफ फॉर्म. तो ये कहना चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में रॉ से फिनिश तो बनता है, पर बेटा जी रॉ से फिनिश बनाने के कितने तरीके होते हैं? चार. सबसे पहली आती है एनालिटिकल इंडस्ट्री, जिसमें एक रॉ से बहुत सारे फिनिश गुड्स तैयार हो जाते हैं. सिर्फ एक ही रॉ से इतने सारे फिनिश गुड्स, जैसे कि एक ही कच्चा तेल है जो धरती के अंदर से मैंने एक्सट्रैक्ट किया है और मैं उसे साफ करती जा रही हूँ और नए नए फिनिश प्रोडक्ट्स निकल के आते जा रहे हैं. अगर मैं उसे कच्चा ही रखूँ तो वो कच्चे तेल के नाम से बिक जाएगा. अगर मैं उसे थोड़ा सा फिल्टर करूँ, साफ करूँ, तो डीजल के नाम से बिक जाएगा. अगर मैं मशीन में ले जाके उसे और साफ करूँ तो वो पेट्रोल बन जाएगा. और अगर मैं उसे और साफ कर दूँ तो वो एयरक्राफ्ट ऑयल बन जाएगा. तेल तो तेल ही होता है. इसका एग्जाम्पल होता है ऑयल इंडस्ट्री. कौन सी वाली इंडस्ट्री का एग्जाम्पल? एनालिटिकल. अब मैं पता क्या करूंगी, देखो ध्यान से देखना, इसी लाइन को कॉपी करूंगी. वन रॉ इज कन्वर्टेड इनटू मेनी फिनिश्ड गुड्स. इस सिर्फ इतनी चाहिए मुझे. एग्जाम्पल तो उसका अलग होगा ना अगले वाले का. वन रॉ इज कन्वर्टेड इनटू मेनी फिनिश्ड गुड्स. अब मैं इसमें क्या चेंज करूंगी, बहुत ध्यान से ध्यान देना है बोर्ड पे. अब मान लो सेम कॉपी कर दिया, वन रॉ इज कन्वर्टेड इनटू मेनी फिनिश्ड गुड्स. अब मैं वन रॉ की जगह कर दूंगी मेनी रॉ. लगाओ दिमाग, लगाओ, इलेवेंथ में आ गए तुम. और मेनी फिनिश गुड की जगह क्या कर दूंगी? वन फिनिश गुड. उसमें उल्टा था, एक रॉ से बहुत सारे फिनिश्ड, इसमें उल्टा है, बहुत सारे रॉ से एक फिनिश्ड. दोबारा सुनो, ये रॉ है, ये फिनिश्ड है. चलो एक ही रॉ से
बहुत सारे फिनिश्ड, क्लियर, एक रॉ बहुत सारे फिनिश्ड। अब इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे रॉ एक फिनिश्ड। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आप सबको पता है, ठीक है, सबको ही पता है। एग्जाम्पल ब्रेड, एग्जाम्पल सोप, कितने एग्जाम्पल हो गए आप मुझसे, बहुत एग्जाम्पल है। ब्रेड में क्या है, बहुत सारे रॉ होते हैं ब्रेड के। अगर मैं रॉ मटेरियल की फॉर्म में देखूं तो ब्रेड में फ्लोर भी यूज होता है, ब्रेड में मैदा भी यूज होता है, ब्रेड में सॉल्ट भी यूज होता है, ब्रेड में शुगर भी यूज होती है, ब्रेड में कलर, आपके क्या बोलूं, कलर्स भी यूज होते हैं वैसे तो, चलो कोई बात नहीं, ब्लैक में ब्रेड में हल्का सा मिल्क का पाउडर भी यूज होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इतनी सारी चीजों को लगाने के बाद क्या बन के आती है, ब्रेड। अब आप बताओ कि इतने सारे आपने रॉ मटेरियल लगाए और इतने सारे रॉ मटेरियल लगाने के बाद जो फिनिश्ड गुड आया, उस फिनिश्ड गुड का नाम क्या था, ब्रेड। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिकल इंडस्ट्री, इसे बोलते हैं सिंथेटिकल इंडस्ट्री, जिसमें बहुत सारे रॉ से एक फिनिश्ड गुड को तैयार किया गया। दोनों आपस में अपोजिट है, अगर आप देखोगे एनालिटिकल में एक रॉस है बहुत सारे फिनिश, और सिंथेटिकल में बहुत सारे रॉस है एक फिनिश। अब बताती हूँ प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग और भी इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छी लगेगी। प्रोसेसिंग में, चलो फिर से वही कॉपी करा हुआ चिपका देते हैं, ये लो, वन रॉ इज कन्वर्टेड इंटू वन फिनिश गुड, ये बढ़िया दीदी, वन रॉ इज कन्वर्टेड इंटू वन फिनिश, एक रॉ एक फिनिश। एनालिटिकल में क्या था, एक रॉ बहुत सारे फिनिश्ड, सिंथेटिकल में क्या था, बहुत सारे रॉ एक फिनिश्ड, क्लियर। और प्रोसेसिंग में क्या है, एक रॉ एक फिनिश्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल क्लोथ इंडस्ट्री, अच्छा वन रॉ इज कन्वर्टेड इंटू वन फिनिश गुड बाय पासिंग इंटू डिफरेंट स्टेजेस, By passing into different stages. अलग अलग stages से pass होता है, but एक raw ही होता है और उससे एक ही finished good बनता है। Example cloth industry, example मैं आपको देती हूँ, जैसे बेटा जी cotton, आपको पता है cotton को convert किया जाता है thread में, और फिर thread को convert किया जाता है cloth में, और cloth ready हो जाता है। कोई और चीज तो लगी ही नहीं, कहाँ लगी, दिखाओ, cotton था, रुई, जैसे आप सिंपल रुई कहते हो, रुई को धागे में बदला और धागे से कपड़ा बन गया, कुछ और कहा है ही नहीं। अगर आप वूल देखो, वूल को थ्रेड में बदला, थ्रेड से वूलन क्लोथ बन गया, कुछ और तो है ही नहीं। वन रॉ वन फिनिश बाय पासिंग थ्रू डिफरेंट स्टेजेस, एनालिटिकल एनालिटिकल वन रॉ बहुत सारे फिनिश्ड, सिंथेटिकल बहुत सारे रॉ वन फिनिश, प्रोसेसिंग वन रॉ वन फिनिश, चाहे वो अलग अलग स्टेजेस से पास होके फिनिश तक पहुंचे, लेकिन रॉ मटेरियल एक ही होगा और एक ही रॉ मटेरियल से आपके फिनिश गुड्स रेडी हो जाए। और अगर मैं बात करूं अपनी लास्ट इंडस्ट्री की, जिसका नाम है असेंबलिंग इंडस्ट्री, असेंबलिंग इंडस्ट्री में अगर मैं वाला कॉपी करती हूँ तो बेटा जी मुझे रॉ भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब होता है मैनी फिनिश गुड्स। व्हाट इज असेंबलिंग इंडस्ट्री, जहां पे रॉ होता ही नहीं है, मैनी फिनिश गुड्स इज कन्वर्टेड इनटू वन फिनिश गुड। रॉ नहीं होता दीदी, रॉ नहीं होता बच्चे में। एग्जाम्पल दूं आपको, एग्जाम्पल कंप्यूटर, कैसे, एक कंपनी ने बनाया सीपीयू, ठीक है, एक कंपनी ने बनाया कीबोर्ड, एक कंपनी ने बनाया माउस, एक अलग कंपनी ने बनाया हार्ड डिस्क, एक अलग कंपनी ने बनाया मदरबोर्ड, इज इक्वल टू किसका लैपटॉप तैयार हो गया, डेल का, डेल का लैपटॉप तैयार हो गया। आपको पता है आपके देश में जो भी गाड़ियां हैं, बाइकें हैं, वो सब ऐसी तो बनती हैं। एक सेकेंड, सो सॉरी, ठीक है जी, आपके देश में जितनी भी बाइकें हैं, जितनी भी गाड़ियां हैं, वो सब ऐसे ही बनाई जाती हैं बच्चे। इस इंडस्ट्री को हम क्या नाम देते हैं, असेंबलिंग इंडस्ट्री।
असेंबलिंग इंडस्ट्री, इनमें रॉ नहीं होता। जैसे बाइक वाले होते हैं, आपको क्या लगता है कि जैसे हीरो की बाइक है तो उस बाइक की एक एक चीज हीरो कंपनी खुद बना रही है? द आंसर इज नो, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर मारुति की गाड़ी है तो क्या मारुति उसकी एक एक चीज खुद बनाती है? द आंसर इज एग्जैक्टली नो। अगर ये डेल का लैपटॉप है तो क्या इसके सारे सारे चीजें डेल ने बनाई है? नो, दीज आर असेंबल्ड प्रोडक्ट्स। कोई कुछ बनाता है, कोई कुछ बनाता है, किसी ने मदरबोर्ड बनाया, किसी ने हार्ड डिस्क बनाई, किसी ने वेब कैमरा बनाया, किसी ने कीबोर्ड बनाया, किसी ने माउस, किसी ने सीपीयू, किसी ने स्क्रीन। हर कोई छोटी छोटी कंपनियां होती है जो ये अलग छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाती है, और डेल क्या करता है, इन सारे प्रोडक्ट्स को लेता है, जोड़ देता है, डेल की मोल्ड लगाता है, लो जी हो गया डेल का लैपटॉप। There is no difference. Clear है? और इसकी कोई भी चीज डेल नहीं बना रहा है। अगर आप आईफोन चलाते हो, सैमसंग का फोन चलाते हो, तो बेटा जी फोन्स के पीछे ना लिखा रहता है assembled here, assembled product लिखा होता है। क्योंकि आपको क्या लगता है, अगर एप्पल का फोन है तो क्या उसकी हर चीज एप्पल बना रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैमरा कोई और बनाता है, एप्पल ने दे रखा है काम किसी छोटी मोटी कंपनी को कि तू मेरे लिए कैमरा बना, तू मेरे लिए स्क्रीन बना, तू मेरे लिए ये बना। हाँ, बट ये है कि अगर एप्पल का फोन है तो आप ट्रस्ट कर सकते हो कि जिसे एप्पल ने काम दिया होगा वो बहुत अच्छी कंपनीज होंगी। बट एप्पल खुद कुछ नहीं करता है, एप्पल इज एन असेंबल्ड इंडस्ट्री। वो सिर्फ अपनी चीजें किसी किसी से बनवाता है और फिर उसको असेंबल कर देता है। क्लियर है मेरी सारी बातें? ऐसे ही होंडा की बाइकें हो गई, गाड़ियां हो गई, लैपटॉप हो गए, फोन हो गए, ये सब असेंबल्ड प्रोडक्ट होते हैं। डन, चलो फटाफट से बोलो, सबसे पहले इंडस्ट्री कौन सी पड़ी थी? प्राइमरी। दूसरी कौन सी पड़ी? सेकेंडरी। पहले मुझे इन दोनों के रीकैप थोड़े से जल्दी आपसे चाहिए। प्राइमरी इंडस्ट्री में दो थे, जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव। जेनेटिक में रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एक्सट्रैक्टिव में एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सेकेंडरी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग, जहां पे रॉ से क्या बनाया जाएगा? फिनिश गुड्स। कंस्ट्रक्शन, जहां पे ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, मॉल्स की कंस्ट्रक्शन होगी। मैन्युफैक्चरिंग में रॉ से फिनिश तो बनेगा, लेकिन रॉ आएगा कहां से? प्राइमरी से। तभी हम ना लास्ट पे आपको बताएंगे कि प्राइमरी इंडस्ट्री जो है वो किसके लिए काम करती है? सेकेंडरी के लिए। और सेकेंडरी किसके लिए काम करता है? टर्शियरी के लिए। तो बेटा जी अल्टीमेटली तीनों इंडस्ट्रीज आपस में कनेक्ट है। प्राइमरी सबसे प्राइमरी पता क्यों है? प्राइमरी क्योंकि नंबर वन है। जब तक प्राइमरी काम नहीं करेगी, सेकेंडरी भी काम नहीं करेगी। क्योंकि जब तक प्राइमरी काम नहीं करेगी तो सेकेंडरी के पास रॉ कहां से आएगा? और जब तक रॉ नहीं आएगा, मैं फिनिश गुड कैसे तैयार करूंगी? देखो, रॉ तैयार करने का काम किसका है? प्राइमरी का। और रॉ से फिनिश गुड तैयार करने का काम किसका है? सेकेंडरी का। अब बताऊंगी कि टर्शियरी का क्या है, अभी बता रही हूँ। पहले आप बताओ, सेकेंडरी में दो है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, और रॉ से फिनिश गुड बनाने की चार इंडस्ट्रीज है, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबली। एनालिटिकल में एक ही रॉ से बहुत सारे फिनिश तैयार हो जाते हैं, सिंथेटिकल में बहुत सारे रॉ से एक फिनिश तैयार होता है, प्रोसेसिंग में एक रॉ से एक फिनिश तैयार होता है अलग अलग स्टेजेस से पास होके, और असेंबलिंग में तो रॉ होता ही नहीं है, वो तो अपने फिनिश गुड्स अलग अलग जगह से बनवाते हैं और फिर उसको असेंबल कर देते हैं, मतलब की जोड़ देते हैं, मतलब की इकट्ठा कर देते हैं। दैट इज असेंबलिंग इंडस्ट्री। और अगर मैं टर्शियरी इंडस्ट्री की बात करूं, मैं वो भी ओवर कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आप आराम से हम डिस्कशन करेंगे दो मिनट। अब मैं एक बात आती हूँ आपको, तीसरी इंडस्ट्री कौन सी आती है हमारी? टर्शियरी। थर्ड इंडस्ट्री इज टर्शियरी इंडस्ट्री। अब मैं टर्शियरी इंडस्ट्री पढ़ाने से पहले आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि टर्शियरी इंडस्ट्री पढ़ने से पहले ये समझो कि टर्शियरी इंडस्ट्री किसकी मदद से आई है? प्राइमरी। देखो अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले इंडस्ट्री मैंने आपको कौन सी पढ़ाई थी? ओफो, ठीक है जी, अब तो क्लियर है। चलो, सबसे पहले इंडस्ट्री मैंने आपको कौन सी पढ़ाई थी? प्राइमरी। मैं एक बार और लिखती हूँ, सबसे पहली थी प्राइमरी, ठीक है। फिर मैंने आपको दूसरी पढ़ाई थी सेकेंडरी, दूसरी थी सेकेंडरी, और तीसरी थी तर्श, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है जी। अब फर्क को ध्यान से समझना है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो इसका साइज हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। दिस इज आवर टर्शियरी इंडस्ट्री, ठीक है जी, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब ध्यान से सुनो कि फर्क क्या है।
टर्शियरी इंडस्ट्री क्या होती है? सबसे पहली इंडस्ट्री होती है प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शियरी। प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या होता है? प्राइमरी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल रेडी करती है। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या रेडी करती है? रॉ मटेरियल। प्राइमरी इंडस्ट्री का काम होता है रॉ मटेरियल को रेडी करना। अब आप बोलो प्राइमरी इंडस्ट्री का काम क्या होता है? रॉ मटेरियल को रेडी करना। सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम होता है उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना इनटू फिनिश गुड्स। ये कौन सी वाली इंडस्ट्री का काम बताया मैंने आपको? सेकेंडरी इंडस्ट्री का। इसका काम होता है रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना इनटू फिनिश गुड्स। टर्शियरी समझने के लिए पहले प्राइमरी और सेकेंडरी समझना जरूरी है। अब बताओ व्हाट इज प्राइमरी इंडस्ट्री? जिसमें रॉ मटेरियल रेडी किया जाता है। व्हाट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री? जो रॉ मटेरियल को किसमें कन्वर्ट करती है? फिनिश गुड्स में। एंड व्हाट इज टर्शियरी इंडस्ट्री? दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। टर्शियरी इंडस्ट्री अल्टीमेटली उस फिनिश्ड गुड को किस तक पहुंचाती है? उस फिनिश्ड गुड को किस तक पहुंचाती है? कंज्यूमर तक। और कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए अल्टीमेटली उस फिनिश्ड गुड को किस तक पहुंचाती है? कंज्यूमर तक। प्लस ये प्राइमरी इंडस्ट्री को और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सर्विसेज भी देता है। गिव्स सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो क्या समझे? ये समझे दीदी कि तीनों इंडस्ट्रीज एक साथ काम करती है। प्राइमरी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल रेडी करती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है फिनिश गुड्स। अच्छा देखो, चाहे रॉ मटेरियल प्लांट से हो, चाहे एनिमल से हो, चाहे प्लांट से हो, चाहे एनिमल से हो, चाहे नेचुरल रिसोर्स हो, ठीक है, ये सेकेंडरी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे कंस्ट्रक्शन हो। और टर्शियरी इंडस्ट्री अल्टीमेटली फिनिश गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाती है और सर्विसेज देती है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को। एक चीज और समझानी है मुझे यहीं पर, ठीक है, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना मेरी बातों को, मैं पूरा टॉपिक यही समअप कर दूंगी। प्राइमरी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल रेडी करती है, ठीक है, और सेकेंडरी इंडस्ट्री गुड्स रॉ मटेरियल को किसमें कन्वर्ट करती है? फिनिश गुड्स में। प्राइमरी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल रेडी करती है चाहे वो जेनेटिक फॉर्म में हो और चाहे वो एक्सट्रैक्टिव फॉर्म में हो, चाहे वो जेनेटिक फॉर्म में हो, चाहे वो एक्सट्रैक्टिव फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन रॉ मटेरियल रेडी करने का काम जो है वो कौन सी इंडस्ट्री का होता है? प्राइमरी इंडस्ट्री का, चाहे वो जेनेटिक फॉर्म में रॉ मटेरियल को अरेंज करे, चाहे वो एक्सट्रैक्टिव फॉर्म में। अच्छा, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है? रॉ से फिनिश कन्वर्ट करती है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म में करे, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की फॉर्म में करे, और चाहे इस काम को वो कंस्ट्रक्शन की फॉर्म में करे। तो वो इस काम को मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म में भी कर सकता है और बेटा जी वो इस काम को कंस्ट्रक्शन फॉर्म में भी कर सकता है। ये देखो, वो मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म में भी इस काम को कर सकता है और कंस्ट्रक्शन फॉर्म में भी इस काम को कर सकता है। अब तो आई गेस आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, वो मैन्युफैक्चरिंग वे में भी इसको कर सकता है और कंस्ट्रक्शन वे में भी इसको कर सकता है। और अगर मैं बात करूं इसकी टर्शियरी इंडस्ट्री की, तो ये तो फिर वो है ही ना जो है अल्टीमेटली, यहाँ पे आएगी लाइन, कोई बात नहीं, ये देखिए, चल अल्टीमेटली यहाँ शिफ्ट कर देंगे, अल्टीमेटली ये फिनिश गुड्स को रेडी करके किस तक पहुंचाती है? कंज्यूमर तक, और सर्विसेज देती है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को। अब कौन कौन सी सर्विसेज देती है ये प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को? एग्जाम्पल, कैसी सर्विसेज? जैसे कि बैंकिंग की सर्विस, जैसे कि वेयर हाउस जहाँ पे सामान रखा जाता है उसकी सर्विस, जैसे कि इंश्योरेंस की सर्विस, जैसे कि ट्रांसपोर्ट की सर्विस, एक्सेट्रा, कोई ना कोई सर्विस देती ही देती है। तो आप ये समझ गए कि जितने भी बिजनेसेस होते हैं बेटा जी, वो किसी ना किसी इंडस्ट्री का ही पार्ट होते हैं, या तो प्राइमरी का, या फिर सेकेंडरी का, और या फिर टर्शियरी। अगर वो जेनेटिक या एक्सट्रैक्टिव से रिलेटेड है तो वो प्राइमरी का पार्ट है, क्योंकि वहां पे रॉ मटेरियल को रेडी किया जाता है। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है तो फिर वो सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट है।
क्या समझ आया? तो फिर वो सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट है। और अगर वो मान लीजिए आप कि अगर वो मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन दे रहे हैं सेकेंडरी, और अगर वो सर्विसेज दे रहे हैं तो दैट इज टर्शियरी। लेट्स हैव अ क्विक रीकैप। बताओ, वी हैव टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में वी हैव थ्री, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। एंड बिजनेस का ही पार्ट होता है इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज मीन जहाँ पे रॉ से फिनिश को तैयार किया जाता है। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। एंड में हमने पूरा लिख दिया, प्राइमरी इंडस्ट्री मीन्स जहाँ पे रॉ मटेरियल रेडी होता है, चाहे वो एक्सट्रैक्टिव फॉर्म में हो, नेचुरल रिसोर्सेज की फॉर्म में, या फिर प्लांट्स एंड एनिमल से लिया गया हो, यानी कि जेनेटिक फॉर्म में। उसके बाद सेकेंडरी इंडस्ट्री उसी रॉ से फिनिश तैयार करती है, मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म में या उससे मॉल्स वॉल्स ब्रिजेस बनवा के कंस्ट्रक्शन फॉर्म में। मैन्युफैक्चरिंग में चार आते हैं, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबली। और लास्ट इंडस्ट्री आती है टर्शियरी इंडस्ट्री, जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को सर्विसेज देती है और अल्टीमेटली गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाती है। तो बच्चे, प्राइमरी इंडस्ट्री नहीं होगी तो सेकेंडरी नहीं होगी, सेकेंडरी इंडस्ट्री नहीं होगी तो टर्शियरी नहीं होगी। तो ये इंडस्ट्री साथ में काम करती है, इनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। प्राइमरी की वजह से सेकेंडरी है और सेकेंडरी की वजह से टर्शियरी है, और अल्टीमेटली गुड्स किस तक पहुंच जाते हैं? कंज्यूमर तक। और पैसा कमाया जाता है। पहले प्राइमरी में रॉ रेडी होता है, फिर सेकेंडरी में रॉ से फिनिश गुड पे जाता है, और टर्शियरी उसको अल्टीमेटली कंज्यूमर तक पहुंचाती है बहुत सारी सर्विसेज की मदद से। तो मैं इन तीनों में से किसी को भी नहीं हटा सकती, ये आपस में चेन में ही काम करेंगे, तभी हमारी नेशनल इनकम बढ़ेगी, तभी हम पैसा कमा पाएंगे, तभी बिजनेस हो पाएगा जब ये लोग आपस में एक साथ काम करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। Clear. I hope the lecture is being clear to you. Still, if you are having any queries, you can put it in the comment section. Thank you.